सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सर्कल सीरीज एंड आई थिंक ये सर्कल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसे जो 13 क्वेश्चंस हैं इसी में से आप एसएससी के क्वेश्चंस फाइंड कर लोगे, ठीक है। कुछ कुछ जियोमेट्री से हल्का हल्का जो झुके हुए हैं वो भी मैं क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आप कितने देर में कर पाओगे? सीपीएसआई में जो भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कितने देर में कर पाओगे? अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप बहुत मिनिमम सेकंड में कर सकते हो, यानी कि 5 सेकंड 6 सेकंड। कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं पूरा कॉन्सेप्ट से इसको बता दूंगा। बोल रहा है कि सरकम रेडियस, सरकम रेडियस अगर आपको पता है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ए बाई √3 इक्वल टू क्या होता है? आर। यहाँ पे ये नहीं होता है, ये तो मैं नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लिख दिया, आर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द सरकम रेडियस, तो रेडियस के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ 8, तो जो आर का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ए का वैल्यू नहीं, यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। सॉरी सॉरी, आर का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आर का वैल्यू हटा के 8 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए इजक्ल टू 8√3, ए इजक्ल टू 8√3। आपसे क्या पूछ रहा है? इन रेडियस, इन रेडियस का इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस क्या होता है? ए बाई 2√3, ठीक है। तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे इस चीज को पुट कर सकते हैं, √3, और ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 4 होगा, कैसे होगा बताता हूँ, ठीक है। मैं खुद ही कंफर्म कर रहा था कि हाँ सही आता है कि नहीं, तो अब चलो मैं पूरा बता देता हूँ। देखो, एक सरकम सेंटर नाम का चीज होता है, जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है? देखो, जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर हम क्या यानी कि ये दोनों को विभाजित करें और ये 90 डिग्री का हो, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर का मतलब ये होता है कि इससे जो वर्टिसेस की दूरी होती है, यानी कि इसकी, इसकी या इसकी, ये सारे सेम होती है, इस पॉइंट से इन तीनों की दूरी सेम होती है। अब आप इसको लेके रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो ये पूरा जो ट्रायंगल है उसके हर एक कोनों को छूता हुआ निकलेगा। ये देखो अलग हो गया, पर यहाँ पे हर एक कोने को छू के निकलेगा और ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसका नोट डाउन कर लो, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कुछ भी पूछे तो, ए बी सी, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो तो ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 आर। ये होता है एक नॉर्मल यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो तो यहाँ पे आप रेडियस निकाल सकते हो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है तो रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस मालूम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, इक्विलेटरल केस में, कि ए डिवाइडेड बाई √3 कैसे होता है, कि एरिया ऑफ एक इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है? √3 भाई, अरे यार 4a2। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे? इसका साइड है, समझो कि इसका साइड क्या है? ए स्क्वायर ए है, तो ए है, तो √3/4a2 इक्वल टू करोगे जब यहाँ पे, तो ये जो ए बी सी है ये इक्विलेटरल में तो एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ए बी सी के जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी 4r नीचे सेम रहेगा, तो ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी इंटू कर रहा है, तो ए बी सी अलग अलग नहीं है, ए ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये हो जाएगा 4r। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा और बस ए बचेगा। तो यहाँ पे जब ए बचेगा, तो इसको जब आप यहाँ लाओगे, क्योंकि √3 तो कटा नहीं है, तो जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर को इधर ले जाओगे तो ए इजक्वल टू √3 हो जाएगा। ये हो जाता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और इन रेडियस क्या होता है? ए डिवाइड बाय 2√3। इन सेम सेम केस, ऐसे ही जैसे मैंने प्रूफ किया है, उसमें क्या होता है, उसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोग खुद प्रूफ कर लेना कि ये चीज कैसे होता है। मैंने एक चीज बता दिया, आप लोग खुद प्रूफ कर लोगे। उसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखो सरकम इन सेंटर क्या होता है कि ये क्या है, ये जो है ये बाहर सर्कल बना हुआ है, इसमें क्या होता है अंदर सर्कल बना होता है, और इसका अंदर सर्कल क्या होता है? आर, यानी कि जो रेडियस होता है यहाँ से यहाँ का दूरी, वो क्या होता है? आर इंटू सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर में मतलब पता है ना, ABCD/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेडियस यानी कि इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर होता है। अब आप इसको खुद से प्रूफ कर सकते हो कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे तो क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 2√3, जैसे कि मैंने अभी प्रूफ किया यहाँ पे। सिमिलर सिचुएशंस में आप प्रूफ कर सकते हो, सिमिलर एकदम आप लोग खुद से करके देख लो यार एक बार। अब हर चीज़ बताना जरूरी नहीं है, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो मैंने ऑलरेडी इन सेंटर का वीडियो बना दिया है,
ठीक है, और आप 13 क्वेश्चन देखोगे तो ऑलरेडी उसमें भी समझाया, शायद मैंने नहीं भी समझाया तो आप इन सेंटर मेरे चैनल पर जाकर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन के साथ इसका खत्म करते हैं। अब 3D फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोन, सिलेंडर, और हो गया आपका क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, और हेमस्फेयर, हेमिस्फेयर, ओके, जितना भी होता है बाल्टी आकार का जो होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो 3D फिगर्स इन नेक्स्ट राउंड।